जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की भक्तों पर कृपा, भक्तों को दर्शन देना और बांके बिहारी जी के चमत्कार आए दिन श्री वृंदावन धाम में होते ही रहते हैं, जिन्हें सुनकर देखकर आज हर कोई कह रहा है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए, वह आज भी श्री धाम वृंदावन में साक्षात विराजमान है। भक्त और भगवान की इन्हीं आनंदमयी कथा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी बांके बिहारी जी के भक्ति प्रेम में भाव विभोर हो जाएंगे। साध्वी कर्माबाई बांके बिहारी जी को बाल भाव से भजती थी। भाव भक्ति के आवेश में वह बिहारी जी से रोज बातें किया करती थी। एक दिन उसने कहा, मैं आपको अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाना चाहती हूँ। बिहारी जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और बिहारी जी को भोग लगाया। बिहारी जी को कर्मा की बनाई खिचड़ी इतनी अच्छी लगी कि वह रोज आने लगे। कर्माबाई भी रोज सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती। एक बार कोई संत कर्माबाई के पास आए, उन्होंने देखा तो बोले, आप सुबह उठते ही खिचड़ी क्यों बनाती हैं? न नहाया न रसोई साफ की। अगले दिन कर्माबाई ने वैसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले, माँ खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज लगाई, जल्दी कर्मा, मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। मगर कर्मा ने संत के बताए अनुसार स्नान ध्यान किया, तब खिचड़ी बनाई। भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना पानी पिए ही निकल गए। बाहर संत को देखा तो वह समझ गए। पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख में खिचड़ी लगी थी। वह बोले, प्रभु, यह खिचड़ी मुख में कैसे लग गई? भगवान ने सारा वाक्या सुनाया और पुजारी से कहा, माँ से कहना कि नियम धर्म संतों के लिए है, वह तो पहले की तरह ही भोजन बनाए। अगले दिन से उसी तरह खिचड़ी बननी शुरू हो गई। कर्माबाई का निधन हो गया तो भगवान बहुत रोए। वह कहने लगे, मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा? इसके बाद व्यवस्था बनी कि सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। बांके बिहारी जी के एक और चमत्कार के बारे में आपको बताते हैं। एक सच्ची कथा है कि मंदिर के पुजारी हर शाम पूजा के बाद बांके बिहारी जी के बिस्तर नीचे चार लड्डू रख दिया करते थे, ताकि रात को भूख लग जाए तो बांके बिहारी जी को भूखा न रहना पड़े। एक रात पुजारी जी लड्डू रखना भूल गए। देर रात जब बांके बिहारी जी को भूख लगी तो उसी दुकान में पहुंच गए जहां से पुजारी जी लड्डू लाया करते थे। उस समय दुकानदार काम खत्म करके दुकान बंद कर ही रहा था कि बिहारी जी अपने मनोहारी रूप में दुकानदार से बोल पड़े कि भूख लगी है, चार लड्डू देना। दुकानदार ने कहा कि अब तो लड्डू बचे नहीं है, कल आना। बिहारी जी ने कहा, अंदर जाकर देखो, चार लड्डू बचे हैं। दुकानदार को सच में वे लड्डू मिल गए जो पुजारी जी ले जाना भूल गए थे। दुकानदार ने लड्डू देकर बांके बिहारी जी से कहा कि पैसे दो। बांके बिहारी जी ने कहा कि पैसे नहीं है, तुम मेरे कंगन रख लो। यह कहकर बांके बिहारी जी कंगन दुकान में फेंक कर वहां से तुरंत भाग गए। अगली सुबह बांके बिहारी मंदिर का पट खुलने पर बांके बिहारी जी के हाथों में एक कंगन नहीं होने पर बात आस पास फैल गई। उस दुकानदार ने जब यह सुना तो उस कंगन लेकर मंदिर पहुंच गया और सब बातें बता दी। मंदिर के पुजारी जी को कहते हैं कि इसके बाद तो दुकानदार भाव विभोर हो गया और बांके बिहारी जी की भक्ति में लीन हो गया। आज भी इसी दुकान से नित्य चार लड्डू बांके बिहारी जी के लिए रोज रात को आते हैं। तो साथियों, प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी जी के एक और चमत्कार के बारे में आपको बताते हैं। संत श्री हरिदास जी से मिलने एक व्यक्ति आया। ये अपने साथ महंगा इत्र लेकर आए थे। जब यह श्री हरिदास जी के पास पहुंचे तब वह ध्यान मग्न थे। इन्होंने इत्र की शीशी श्री हरिदास जी के पास रख दी। श्री हरिदास जी ध्यान मुद्रा में श्री बांके बिहारी जी के साथ श्री राधा जी की होली देखने में मग्न थे। श्री हरिदास जी ने देखा कि बांके बिहारी ने पिचकारी मारी और श्री राधा पूरी रंग गई। लेकिन श्री राधा जी की मटकी में रंग था ही नहीं, सो इन्होंने इत्र की शशि उठाई और यूं उड़ेल दी जैसे वह राधा जी की मटकी में रख रहे हो। श्री हरिदास जी के पास इत्र लेकर आया हुआ वह आदमी इस लीला को नहीं समझ सका। यह देखकर निराश हो गया कि इतना महंगा इत्र रेत में मिल गया। थोड़ी देर बाद जब श्री हरिदास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा उस आदमी को। तब उस आदमी ने कहा कि मैं आपके लिए बहुत ही महंगा इत्र लेकर आया था, आपने उसे रेत में मिल दिया। श्री हरिदास जी ने कहा, दुखी मत हो, तुम जाकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो।
जब वह श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा तो चकित रह गया। पूरा मंदिर उस इत्र की सुगंध से महक रहा था और श्री बांके बिहारी जी उसी इत्र से नहाए हुए थे जो वह लेकर आया था। इस चमत्कार को देखकर वह श्री हरिदास जी के चरणों में लौट गया। जय हो मेरे बांके बिहारी लाल जी की। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रिचकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। हरिदास जी मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण का दर्शन लाभ पाते हैं, हमें भी सांवरे सलोने का दर्शन करवाएं। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास के स्वर में बदलाव आ गया और गाने लगे। भाई री सहज जोरी प्रकट भई, जुरंग की गौर श्याम घनदामिनी जैसे। प्रथम है हुती अब हूँ आगे हूँ रही है न टरी है तैसे। अंग अंग की उजकाई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा पूंज बिहारी सम वैसे वैसे। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की। हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को श्री बांके बिहारी जी नाम दिया। बांके बिहारी मंदिर में तब से आज तक इसी विग्रह के सभी भक्तों को दर्शन होते हैं। बांके बिहारी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों ही समाये हुए हैं। जो भी श्री बांके बिहारी जी के इस विग्रह का दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री राधा जी बांके बिहारी जी अपने भक्त के कष्टों को दूर कर देते हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर साल करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचने वाला यह मंदिर है। मंदिर में हर दिन श्री बांके बिहारी जी अपने चमत्कार दिखाते रहते हैं। क्या कभी आपने गौर किया है कि किसी मंदिर में भगवान के आगे बार बार पर्दा डाला जाता हो? आपने बांके बिहारी मंदिर में ऐसा होते हुए जरूर देखा होगा। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे एक कहानी है, आप भी जान लीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज से करीब 400 साल पहले तक बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा नहीं डाला जाता था। भक्त जितनी देर चाहे भगवान को एकटक निहार सकते थे। तभी एक दिन एक निसंतान विधवा वृद्धा बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए प्रथम बार आई। उसके आगे पीछे कोई था नहीं तो वह बहुत चिंतित थी कि अपनी जमीन आदि किसके नाम करे। जैसे ही उसने बांके बिहारी जी को देखा बस देखती ही रह गई। वो बिहारी जी की रूप माधुरी में खोकर अपने सारे दुख दर्द भूल गई। कुछ समय बाद होश में आने पर उसे भाव हुआ कि काश उसकी भी कन्हैया जैसी संतान होती, तभी उसकी इच्छा हुई और उसने सोचा कि वह बांके बिहारी जी को अपना पुत्र मानकर सारी जायदाद उनके नाम लिखवा देगी। उस मैया का वात्सल्य भाव इतना अधिक था कि कन्हैया भी उसे देखकर खुद को उसका पुत्र ही समझने लगे और उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। ये देख पुजारी समेत सभी भक्त अत्यंत परेशान हो गए और बार बार समझाने के बाद ही श्री बांके बिहारी जी वापस मंदिर में लौटे। तभी से हर 2 मिनट के अंतराल पर श्री बिहारी जी के सम्मुख पर्दा डाला जाता है ताकि कहीं वो फिर से श्री बांके बिहारी लाल जी किसी भक्त से प्रसन्न होकर उसके पीछे पीछे ना चले जाए। आपको बिहारी जी की एक भक्त मणि की कथा सुनाते हैं। कुछ साधु संतों ने दावानल कुंड के पास अपनी कुटिया बना रखी थी। वृंदावन के घरों से मधुकरी भिक्षा लाकर अपनी क्षुधा शांत करते और दिन रात भजन करते, यही इन संतों की दिनचर्या थी। एक दिन इस जंगल में न जाने कहां से कुछ लोगों की एक टोली घूमती हुई आई और जहां आज श्रोतमुनि निवास आश्रम की लंबी चौड़ी इमारत खड़ी है वहां रेल लाइन के पास बस गई। स्त्री पुरुष की इस टोली में एक थी मणि, छोटा कद, सांवला रंग, सामान्य सा नयन नक्शा, उलझे हुए बाल जिनमें न जाने कब का बंधा हुआ फीता, नाक कान गले में चांदी के आभूषण और मैले फटे हुए कपड़े, ऐसी थी मणि। उम्र होगी कोई 50 वर्ष। मणि एक बार बिहारी जी महाराज के दर्शन करने मंदिर गई। दर्शन किए तो अपनी सुध बुद्धि खो गई थी। श्री बिहारी जी महाराज के प्रकाशमान मोटे मोटे नयनों ने उसे विमोहित कर लिया था। मणि अपनी बस्ती की ओर लौटी तो किंतु अपना आपा श्री बिहारी जी महाराज को सौंप कर
सोते जागते उठते बैठते काम काज करते उसके होठों पर थिरकती रहती थी। एक ही पंक्ति मेरी सुन लो, अर्ज श्री बिहारी जी, यही उसका भजन था, यही पूजा। दिन बीतते गए। मणि के हृदय में श्री बिहारी जी महाराज की भक्ति धीरे धीरे दृढ़ होती गई है। लोक वार्ताओं में अब उसका मन नहीं लगता था। मणि का पति कई दिनों से अस्वस्थ चल रहा था। मणि उसकी सेवा में लगी थी, दिन रात एक कर दिया था उसने। किंतु इस सारे क्रम में श्री बिहारी जी का नाम उसे एक क्षण को भी विस्मृत नहीं हुआ था। मेरी सुन लो, अर्ज श्री बिहारी जी की रट प्रतिपल उसके प्राणों में झोपड़ी में गूंजती रहती थी। यह सर्दियों का मौसम था, दिन निकल चुका था, किंतु कोहरे के कारण सूर्य नारायण अभी तक अदृश्य थे। बस्ती में भी लोग जग चुके थे। चारों ओर चहल पहल धीमी गति से प्रारंभ हो गई थी। तभी दूर से आती बांके बिहारी जय हो तिहारी की कंठ ध्वनि वातावरण की निस्तब्धता को बरबस भंग करने लगी। धीरे धीरे कोहरे की चादर पर कई मानवाकृतियों की छायाएं उभरी और क्रमशः मणि की बस्ती की ओर बढ़ने लगी। कीर्तन का स्वर भी तीव्र से तीव्रतर हो उठा था। मणि ने भी सुना और दोहराया, बांके बिहारी जय हो तिहारी। ये दावानल कुंड के समीपस्थ वन में निवास करने वाले साधुओं की टोली थी, जो स्नानादि नित्य कर्म से मुक्त होकर अपने प्राणाराध्य श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनार्थ जा रही थी। मणि इन्हें प्रतिदिन इसी प्रकार आते जाते देखती थी। वह पति की अस्वस्थता के कारण कई दिनों से बिहारी जी महाराज के दर्शनों को नहीं जा सकी थी। कीर्तन की ध्वनि सुनते ही मणि के पैर न रुक सके, वह दौड़कर झोपड़ी के द्वार पर खड़ी हो गई। साधुओं का दल जिस प्रकार कोहरे को भेद कर प्रकट हुआ था, ठीक वैसे ही मणि की झोपड़ी के सामने से गुजरता हुआ कोहरे में ही विलीन हो गया। शेष रह गई थी कीर्तन ध्वनि, जो झोपड़ी के द्वार पर जड़वत खड़ी मणि के कर्ण कोहरों को तृप्त कर रही थी। मणि वहां कब तक यूं ही खड़ी रही उसे पता ही नहीं चला। मणि को देह का होश तब हुआ जब बांके बिहारी जय हो तिहारी की कीर्तन ध्वनि उसके कानों में पुनः टकराई। साधुओं का दल दर्शन कर लौटता हुआ उसकी झोपड़ी के सामने से गुजर रहा था। आज न जाने क्या हुआ, मणि ने साधु संतों के दल को अचानक रोका। बाबा, क्यों, क्या है मैया, एक साधु ने पूछा। कहां से आ रहे हैं आप, मणि ने पुनः पूछा। मैया, श्री बिहारी जी की श्रृंगार आरती करके आ रहे हैं, वही साधु फिर बोला। अच्छा, जरा बताओ तो आज बिहारी जी ने किस रंग की पोशाक धारण की है, कैसा श्रृंगार हुआ है आज उनका, मणि ने उत्सुकतावश पूछा। पोशाक का रंग कौन सा रंग था पोशाक का, बताएं आप, सोच में पड़ गए साधु। दर्शन तो हमने किए थे, किंतु श्रृंगार कैसा था ये तो याद ही नहीं आता। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, इस आशा से कि मणि के प्रश्न का समाधान शायद किसी के पास हो वर्टिकल बार। किंतु सभी के माथे पर सलवटें उभरी और धीरे धीरे मिट गई, किंतु मणि के प्रश्न का उत्तर उनके पास न था। मैया, हम दर्शन तो जरूर करके आ रहे हैं, किंतु हमें पोशाक का रंग श्रृंगार का ढंग स्मरण नहीं आ रहा। मणि हंसी, बाबा आप लोग दर्शन करके आ रहे हैं या मंदिर घूम कर? अरे आज श्री बांके बिहारी जी ने पीले रंग की पोशाक धारण कर रखी है, उसमें लाल रंग की किनोर पर सिलमा सितारे का काम किया हुआ है, माथे पर पीली पगड़ी बंधी है, गले में चंद्र सैनी हार है। जाओ दर्शन करके दोबारा आना, तब बताना कि जो मैंने कहा वह ठीक है या नहीं। साधु आश्चर्यचकित थे। सबने परस्पर बातचीत की और एक बार फिर श्री बिहारी जी के दर्शन करने का निर्णय किया। वे सब पुनः जिस दिशा से आए उसी ओर लौट पड़े। मणि ने पुकार कर कहा, और हाँ, गुसाई जी से कहना कि आज मेरे लाडले को उत्थापन में लड्डू भोग क्यों नहीं लगाए, उसे मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रिय हैं। साधुओं ने जाते जाते मणि के ये शब्द भी गिरह बांध लिए। मंदिर पहुंचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। श्री बांके बिहारी जी महाराज की ठीक वैसी ही पोशाक थी और वैसा ही श्रृंगार जैसा मणि ने बताया। उनका हृदय मणि पर श्री बांके बिहारी जी महाराज की अलौकिक कृपा का अनुभव कर आनंदाभिभूत हो उठा। उत्सुकतावश उनके पांव जगमोहन की ओर बढ़े। वे निज मंदिर गर्भगृह के द्वार के निकट जा पहुंचे। गुसाई जी पर्दा बंद करके दर्शनार्थियों को तुलसी प्रसाद दे रहे थे कि एक साधु ने उन्हें जय बिहारी जी की कह अभिवादन किया और बोला, महाराज क्या आपने आज उत्थापन में श्री बिहारी जी महाराज को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाया था? हाँ, लगाया था, पर तुम ये पूछ क्यों रहे हो? गुस्साई जी ने पूछा।
महाराज, यदि एक बार आप अंदर देखने के पश्चात मुझे निश्चित तौर पर बताएं कि आज लड्डुओं का भोग लगा या नहीं, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु ने आग्रह किया। गुस्साई जी कहने लगे, आप कहते हो तो देखकर बता देते, वैसे हमने भोग तो प्रातः काल ही लगा दिया। कहते हुए गुस्साई जी निज मंदिर में चले गए। पोशाक का रंग, श्रृंगार का ढंग मणि के कहे अनुसार देख लेने के बाद साधुओं का मन ये मानने के लिए तैयार न था कि मणि की लड्डुओं वाली बात मिथ्या होगी। पर गोसाई जी पर भी अविश्वास का कोई कारण न था। मन सत्य और संशय के मध्य डूबता उतराता रहा। इतने में गोसाई जी पर्दा हटाकर द्वार पर आए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। आते ही कहने लगे, बाबा आज तो बड़ा भारी अपराध बन गया। ठाकुर जी महाराज को वास्तव में लड्डू भोग लगने से रह गए। साधुओं की शंकाओं का निवारण हो गया था। वे लौट कर मणि के द्वार पहुंचे और उसके भाग्य की सराहना करते हुए अपनी अपनी कुटियों को वापस लौटे। मणि जब तक जीवित रही रोज श्री बिहारी जी महाराज का ध्यान करती रही और अंत में वृंदावन की रज में रज होकर मिल गई। सच वह केवल नाम की ही मणि नहीं थी, अपितु प्रभु कृपा के प्रभाव से भक्तिमतियों की मुकुटमणि भी बन चुकी थी। तो प्रेम से बोलिए साथियों, श्री बांके बिहारी लाल जी की जय हो। कलयुग में वृंदावन धाम साक्षात धाम है। कलयुग में श्री राधा कृष्ण साक्षात विराजमान है वृंदावन धाम में। आज भी वृंदावन में नित्य प्रति भगवान के दर्शन भक्तों को होते रहते हैं। हम बांके बिहारी लाल जी से, श्री राधा जी से आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हैं। श्री बांके बिहारी लाल जी आप सभी के जीवन में आनंद भक्ति धन संपदा प्रदान करें। आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों शीघ्र मिलते हैं एक और नए भक्तिमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को, आप सभी साथियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।